महविश, आपको हमारी तरफ से मुबारकबाद है कि आपने कल जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, नेशनल लेवल का टेस्ट है, आपने वो क्वालिफाई किया है। आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि आपने ये एग्ज़ाम जो प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम होता है, ये तो आपने क्वालिफाई किया है, तो इसमें आपने कितने मार्क्स हासिल किए हैं वो बताना चाहेंगे। पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रिया है, और मेरा जो स्कोर रहा है वो 624 है इस एग्ज़ाम में। तो 624 आपके मार्क से आउट ऑफ 720 है, तो आपने इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको आगे भी जाके, ये प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम जो होता है। तो जो अब तक आपने मेहनत की है इसमें, इस मेहनत में आपका, आपकी इस ज़िंदगी में, इस मेहनत में किसका रोल ज़्यादा रहा आपका? जी पहले तो मतलब अल्लाह ताला का शुक्रिया है कि आज मैं यहाँ पे हूँ, मतलब मेरा स्कोर इतना आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। और एस्पेशली माय फैमिली और मेरे जो टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया एट स्मार्ट, एंड एस्पेशली माय मदर, मतलब उन्होंने इमोशनली मुझे सपोर्ट किया। और जो कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ से मिला एट स्मार्ट में, जो टीचर्स ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया टेस्ट सीरीज़ में, हमेशा टीचर्स बोलते थे टारगेट बड़ा रखो, एस्पेशली लतीफ़ सर, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला यहाँ से एडोस्मार्ट से। तो एडोस्मार्ट में आने के बाद आपको कितना फ़ायदा मिला है, ताकि आपने जो इतने मार्क्स हासिल किए हैं, तो इसमें कितना सपोर्ट हुआ है आपको एडोस्मार्ट का? जब मैं एडोस्मार्ट आई तो मैंने जो टेस्ट्स दिए यहाँ पे, आई थिंक मतलब पेपर जो था वो सारा मतलब सिमिलर था, मुझे लग रहा था कि मैं एडोस्मार्ट की ही टेस्ट्स दे रही हूँ। जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे लग रहा था कि एग्ज़ाम हॉल में बैठ के मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ, ना कि मैं नीट का एग्ज़ाम दे रही हूँ। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला, क्वेश्चंस डिस्कस होते थे, डाउट जब होता था मुझे तो सर मतलब डाउट क्लियर करते थे, और मतलब जो डाउट्स मैंने सर से पूछे उन्हीं में से क्वेश्चंस आए थे दो तीन वहाँ पे, और जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला। शायद इतना स्कोर मेरा नहीं आता अगर मैं यहाँ पर एडोस्मार्ट ज्वाइन नहीं करती। तो काफ़ी खुशी हुई है हमें आपको यहाँ देख के, इस लेवल पे देख के। लेकिन अब बाहर आपको सारे अभी बच्चे देख रहे हैं जो अभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए, उनके लिए आपको क्या मैसेज रही उन बच्चों के लिए जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं नीट एग्ज़ाम के लिए? मैं उनके लिए यही कहूँगी कि कभी कभार आप इमोशनली भी अनफिट हो जाते हो, अगर आप पढ़ते अच्छा हो, कभी कभार एनजाइटी भी होती है, स्ट्रेस भी होती है, आप अपने पेरेंट्स से शेयर करो। और मतलब जितना मुझे एडोस्मार्ट में मिला, मुझे पर्टिकुलर गाइडेंस मिली यहाँ पे, मतलब पर्सनल गाइडेंस मिली। जब मैं लो फील करती थी या मॉक टेस्ट्स में कुछ हो जाता था मुझसे गलती, तो टीचर्स मुझे कॉल करते थे और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। इवन कभी कभार बीमार भी होती थी, हेल्थ कंडीशंस ठीक नहीं होती थी, लेकिन जो टीचर्स है वो मोटिवेट करते थे। मैं उन बच्चों से यही कहूँगी कि आप मतलब अगर स्ट्रेस भी है, इमोशनल स्ट्रेस भी है, आप अपने पेरेंट्स से शेयर करो, और मतलब पेशेंस रखो, और मेहनत ज़ाया नहीं होती है, मतलब हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, मतलब हमेशा जो मेहनत होती है उसका फल आपको मिलेगा। चलो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो मेहनत की है उसमें आपको ये जो एडोस्मार्ट कैरियर इंस्टीट्यूट हरनाग अनंतनाग में है, उसका आपके कहने का मतलब है कि उसका हमें काफ़ी रोल रहा है ये कामयाबी हासिल करने में। जी सर, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा। जो मेरा थ्रेट था, जो कॉन्फिडेंस यहाँ से मिला, वो काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि टीचर्स हर एग्ज़ाम के बाद पूछते थे, एनालाइज़ करते थे, एग्ज़ाम से पहले भी पढ़ के आए हो कहाँ से, मतलब टॉपिक, किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन होता था, टीचर्स हमेशा रेडी रहते थे, और मुझे कभी भी प्रॉब्लम लगती थी मतलब एकेडमिक से बगैर भी, तो वो भी सॉल्व हो जाती थी। मतलब इमोशनली भी मैं कभी अनफिट हुई हूँ, मैं मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव हूँ, तो मैं सर से बात करती थी, और वो भी मतलब यहाँ से सपोर्ट मिला काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, आपके साथ आपके फादर भी हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या इस्म शरीफ? मुश्ताक अहमद सोफी। तो जी बच्ची को ये नीट क्वालिफाई, तो ऐसे था खुशी आ रही है। वाह वाह वाह। तो एम अत मुतलिक वन तो मैं तो कुछ खुशी से कथा दस्ता छ हत हज अछन शुमारा के। बिल्कुल। तो ये खुसूसन इस ये एडोस्मार्ट कैरियर जहान क्या रोल इहुद शुक्र गुजार अमिस मतलब यहां एग्जाम दिवान तथ मेस तमें मतलब कह क्वेश्चन तथा पे डिस्कस कर वाना यह डरन जरूरत कि मतलब अमिस पूरे कि दिवान अत मन
حوصلہ حظ بالکل تہد ون مطلب تہ یہ کہ بچے امس ونکابی ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کر یہ کامیاب ات من مین رول ایڈ سمارٹ کیریئر بالکل جناب چلو شکریہ تہد بہت بہت شکریہ یہ آپ کو ایڈ سمارٹ کی طرف سے ہے شکریہ آپ کا بہت بہت تھینک یو